हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। मैं आपका एलईडी टीवी गुरु, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सैमसंग ने 2023 में CU सीरीज लॉन्च की है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आज मैं जो सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ वो है CU 8000, जो कि लास्ट ईयर आ रही थी BU 8000 के नाम से, अभी CU 8000। उसमें जो टीवी आए हैं वो 4K UHD, उनके जो साइज़ हैं वो आपके 43 इंच से स्टार्ट हो जाते हैं, 43, 50, 55, 65, 75 एंड 85 इन साइज में ये लॉन्च हुआ है। बिल्कुल लेटेस्ट न्यू टीवी है CU, जो कि हमने लास्ट ईयर BU 8000 देखी, उसका ही अपग्रेड CU 8000 है। ठीक है, वीडियो बिल्कुल लाइव है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, अभी मैं आपको सबसे पहले टीवी दिखा देता हूँ। तो ये है CU 8000, 65 इंचेज का है साइज, मैंने आपको बता दिया, जो कि आपको 43 इंचेज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह इसके अंदर भी आपको डायनेमिक क्रिस्टल कलर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके 1 बिलियन शेड मिलती है, डिफरेंट शेड मिलती है, जिसमें आपकी जो पिक्चर्स की बात करोगे इसके अंदर वो आपकी ब्राइटर एंड कलरफुल आपको पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, इसका बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर कोई भी डिटेल आप मिस नहीं करोगे, साथ में ही जो आपकी पिक्चर्स है वो, जैसे आप इसमें फुल HD पिक्चर देख रहे हो, तो ये आपके जो पिक्चर को अपग्रेड करेगा 4K के अंदर कहीं हद तक। ठीक है, तो ये पिक्चर क्वालिटी इसके अंदर आपको मिल रही है। साथ में अगर आप इसकी जो थिकनेस की बात करोगे वो आप देख सकते हो, जो कि 25 से 28 mm में आपको इसके अंदर थिकनेस मिलती है, बिल्कुल स्लीक LED है। ठीक है, सभी साइज के अंदर ये आपको मिल जाएगी। साथ में इसके अंदर पोर्ट 3 HDMI पोर्ट एंड 2 USB पोर्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर 1 HDMI पोर्ट बैक में भी दिया हुआ है, ऑडियो आउट के लिए ऑप्टिकल दिया हुआ है, ये सारे इसके अंदर पोर्ट दिए हुए हैं। अभी इसके अंदर नया क्या आया है, नया इसके अंदर आपको मिलता है एडजस्टेबल स्टैंड, जो आपका टेबल टॉप स्टैंड है ये वाला, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जो पिछले टीवी के अंदर नहीं था BU 8000 का, ये स्टैंड को आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको आप हाइट बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपका टेबल छोटा है तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, इसके अंदर एडजस्टेबल स्टैंड दिया है ये वाला। ठीक है, ये आपके अंदर 2023 के अंदर नया इसके अंदर आया हुआ है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो पिछली जो BU 8000 का और CU 8000 का रिमोट में डिफरेंस है, ये आपका CU 8000 का रिमोट है, ये बिल्कुल स्लीक है, साथ में सोलर चार्जेज है और सी टाइप चार्ज भी दिया हुआ है, जरूरत बैटरी की आपकी रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसको सी टाइप का चार्जर लगा के भी चार्ज कर सकते हो, एंड इसको अगर बाहर धूप में रख देते हो या आप यहाँ पे रखे तो ये रखा रखा भी चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर आपकी प्लेट लगी हुई छोटी सी और बिल्कुल बिल्कुल स्लीक कर दिया, और कुछ शॉर्ट किस दिए जैसे नेटफ्लिक्स, सैमसंग TV प्लस, प्राइम वीडियो एंड हॉटस्टार। सैमसंग TV प्लस जिसके अंदर आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है वो आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, जो नॉन पेड चैनल है उसके अंदर भी, जैसे आज तक है, आर भारत है, डिस्कवरी, वो सारे चैनल इसके अंदर आप विदाउट सेटअप बॉक्स इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ न्यू फंक्शन की जो लॉन्च हुए हैं। अब ये इसका होम पेज है, जो BU 8000 में आ रहा था सेम इस तरह से होम पेज आएगा, जो भी आप रिसेंटली सर्च करोगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, रिसेंट वाले जो आपने लास्ट टाइम देखे हुए हैं। ठीक है, ये ऐप स्टोर है जो आप इसमें नई ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो। सैमसंग TV प्लस एप्लीकेशन है, जो कि सैमसंग TV एप्लीकेशन जो कि आप फ्री में चैनल देख सकते हो, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, एप्पल TV, आप एप्पल का मोबाइल भी कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब, अलेक्सा इसके अंदर बिल्ट इन है। ठीक है, अब इसके अंदर गूगल असिस्टेंट नहीं मिलेगा आपको, अलेक्सा और बिक्स भी दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, गूगल असिस्टेंट हट चुका है, ठीक है, सारे टीवियों के अंदर हट चुका है, 2023 में गूगल असिस्टेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जियो सिनेमा है, जो अभी आप मैच जो आ रहा है जियो सिनेमा TV पे, आप या जियो सिनेमा पे वो मैच देख सकते हो, ऑलरेडी डाउनलोड आ रहा है, और डाउनलोड अगर आपकी TV में नहीं है तो आप ऐप स्टोर पे जाकर जियो सिनेमा डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा विक्स भी है, इंटरनेट है, विक्स भी सैमसंग का पेटेंट है, अगर मान लीजिए कल को अलेक्सा भी हट जाता है तो विक्स भी जो वॉइस असिस्टेंट है हमेशा सैमसंग के साथ रहेगा, क्योंकि सैमसंग का ही खुद का वो मैन्युफैक्चर है, तो थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, जैसे आप हेलो अलेक्सा या हेलो गूगल असिस्टेंट बोलते हैं, बस आपको हेलो विक्स भी बोलना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंटरनेट गैलरी, ये आपके इसका होम पेज है। साथ में जो आपका CU 8000 है इसके अंदर आप
स्लिम फिट कैमरा लगा सकते हो, मतलब वीडियो कॉल भी कर सकते हो, क्लासेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 43 इंच, 50 इंच, 55, 65, 75, 85 सभी टीवियों के अंदर इसके अंदर वेबकैम लगा सकते हो, जो सैमसंग का स्लिम फिट कैमरा के नाम से आएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो, और वो कैमरा आप यहाँ पे लगा सकते हो आपकी टीवी में। यही क्वेश्चन आ रहा था कि हम टीवी के अंदर वेबकैम लगा सकते नहीं सकते, तो C8000 के अंदर आप कैमरा हर साइज़ के अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। अब और फंक्शंस की बात करेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर IoT सेंसर है, दिया हुआ है। इसके अंदर जो है आपका जो 2022 से 23 में क्या है, इसके अंदर आपको लाइट सेंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे लाइट सेंसर, जैसे कि आप टीवी नाइट में वॉच कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस आपकी कम कर लेगा, अगर आप दिन में देख रहे हो और रूम में हाँ ज़्यादा जैसे रोशनी आ रही है, सन फेसिंग आ रही है, तो ये ब्राइटनेस टीवी की बढ़ा लेगा। तो इसमें ऑटो सेंसर दिया, लाइट ऑटो सेंसर, ऐसा ही साउंड सेंसर भी दिया हुआ है इसके अंदर, और कैमरा सेंसर भी दिया, तीन तरह के सेंसर दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है, जो कि अभी नया इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है, या जस्ट स्टैंड दिया हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर जो पहले भी आ रहा था क्यू सिम्पनी, जब भी आप इसके अंदर साउंड वार लगाओगे तो क्यू सिम्पनी एक फीचर्स दिया है, जिसके अंदर साउंड वार की साउंड और टीवी की साउंड एक साथ आएगी, कोई भी आपका लैगिंग नहीं होगी, ठीक है, कि साउंड वार में साउंड अलग आ रही है, टीवी में साउंड अलग आ रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है 3.0, आप अपनी टीवी को म्यूजिक सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, लास्ट टीवी में भी आ रहा था वो, तो ठीक है, इसकी साउंड अपने हेडफोन में ले सकते हैं क्योंकि ब्लूटूथ भी दिया हुआ है। तो फंक्शन तो और भी बहुत सारे लॉन्च हुए हैं, जो कि हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो सैमसंग ने CU8000 लॉन्च किया रिसेंटली अभी है। पिक्चर क्वालिटी जो 2022 से BU8000 से उससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्मूथ है, ठीक है, और प्राइस लेवल भी बहुत ज़्यादा इसका कम है। प्राइस रेंज की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, हम जाके आप देख सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।